आज राजनीति के अंदर भी बहुत सारा रिजर्वेशन जो है वो महिलाओं को दिया गया है। तो अच्छी महिलाएं जो समाज के लिए कुछ करना चाहती है, कुछ काम करना चाहती है, तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि उस लेडीज की सीट के ऊपर तो कोई जेंट्स खड़ा नहीं रह सकता है, लेकिन वो लेडीज सामने आने की जरूरत है जो खुद कुछ करती है। वरना ऐसा ना हो कि सिर्फ एक रबर स्टैंप बनकर हम रह जाए और हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा शौहर, हमारा जो भी रिश्तेदार है वो पूरे काम करे। लेडीज को खुद भी आगे आना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब आप चुनावी मैदान के अंदर आती है तो अंदर ना तो आपके शौहर जा सकते हैं, ना बेटा जा सकता है, ना भाई जा सकता है, अंदर आपको ही आवाज बनकर वहां पर खड़े रहना पड़ेगा। तो जो लोग ये करना चाहते हैं, ये कर सकते हैं, ऐसे लोगों ने राजनीति के अंदर भी आना चाहिए। पहले ऐसा कहा जाता था कि नहीं, राजनीति से हमारा क्या लेना देना है करके बहुत सारे लोग कहते थे कि नहीं, पॉलिटिक्स से हम बहुत दूर रहना चाहते हैं, पॉलिटिक्स से दूर है इसीलिए चोर लुच्चे लफंगों को बदमाशों को हमको बर्दाश्त करना पड़ता है। अच्छे लोग अगर सामने आएंगे तो यकीनन सूरत हाल भी बदलेंगे, अच्छे काम भी होंगे, तरक्याती काम भी होंगे। सिर्फ मैं एक बार आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप अगर हम तैयार करते हैं तो बहुत कुछ है करने के लिए। वुमेन एंड चाइल्ड के लिए बहुत सारे ऐसे स्कीम्स, सिर्फ ये होता है कि अकेला कितना काम करेगा। बहुत सारे है, अगर बहुत में देने के लिए तैयार है तो यकीनन बहुत कुछ किया जा सकता है, और हम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। किसी और प्रोग्राम के वक्त में विस्तृत से डिटेल के अंदर बात करेंगे। दरअसल ऐसा है कि मैं सिर्फ दो दिन के लिए आया हूं, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और 3:30 बजे का टाइम मैंने मीडिया को, मेरे ऑफिस के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, लेकिन एडवोकेट अस्मा जी का इसरार था कि नहीं, मैंने ही आना चाहिए। मैंने कहा महिलाओं का प्रोग्राम है तो आप खुद संभालिएगा। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने भी आना चाहिए। तो मैं आकर सिर्फ आप लोगों को मुबारकबाद देने के लिए आया हूं, और इंशाल्लाह आगे आप लोगों के साथ बातचीत चलती रहेंगी। मैं चाहूंगा ये कार्यक्रम अगर आप कंटिन्यू रखना चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन चूंकि मुझे थोड़ी जल्दी है मैं आप लोगों से इजाजत लेता हूँ। एक बार फिर से तमाम लोगों को, आप लोगों को महिला दिवस की बहुत बहुत है कि किस तरह से वो लेडीज के इश्यूज बहुत अच्छे तरीके से दिव्य मराठी के अंदर कैरी करते हैं। तो मेरा पर्सनल देखने का नजरिया, क्योंकि मैंने भी 25 साल जो है वो पत्रकारिता की है, तो मुझे पर्सनली बड़ी खुशी होती है कि ऐसी कोई फील्ड नहीं है कि जहां पर हम लोग आगे नहीं, सिर्फ एक मानसिकता को बदलने की देर है कि नहीं, हाँ हम भी कर सकते हैं। और ये जिस दिन आप लोगों के अंदर ये एहसास हो जाएगा कि हम भी कर सकते हैं, जैसा ये एहसास जब मुझे 2014 के अंदर आया था कि मैं भी कर सकता हूँ करके, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आमदार बन गया। फिर दोबारा जब ये एहसास मुझे आया 2020 के टाइम पे कि मैं भी कर सकता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह खासदार बन गया। तो सिर्फ हिम्मत आनी चाहिए, जोश होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए और एक यकीन होना चाहिए। मुझे यकीन है कि आप लोगों के अंदर वो यकीन है, सिर्फ थोड़ी सी पुश देने की जरूरत है। वो पुश के लिए मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा हुआ हूँ, और आगे भी आप लोगों के लिए जो मेरे से मुमकिन हो सकता है वो मैं पूरी तरह से करता रहूंगा। मैं अस्मा शेख से ये अपील करना चाहूंगा कि वो जल्दी अपनी यूनिट तैयार करें, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप तैयार करें। बहुत सारी लेडीज है जो अच्छा काम करना चाहती है, अपने एरिया के अंदर काम करना चाहती है, और हमने चूंकि लेडीज भी तैयार किया है तो उसमें किसी की भी कोई सी मर्द की दखल अंदाजी नहीं होगी। जो लेडीज विंग है वही लेडीज विंग अपने लेवल के ऊपर, अपने दौर के ऊपर वो काम करेगी। तो हमारे तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा, ना हमारी तरफ से कोई मुदाखलत होगी कि नहीं इनको क्यों लिया गया है, उनको क्यों लिया गया है। आप इंडिपेंडेंट है, एक अच्छी टीम तैयार करिएगा, ताकि एक औरंगाबाद में अगर हम एग्जाम्पल सेट करते हैं कि लेडीज विंग इतनी स्ट्रांग है, इतने अच्छे काम कर रही है। और सिर्फ चूंकि रजिया सुल्तान MIM की पार्टी है, ऐसा नहीं है, जहां जहां महिलाएं हैं और महिलाओं के ताल्लुक से हम जो कुछ भी काम कर सकते हैं वो काम करने की जरूरत है। जैसा आपने एक बलात्कार का किस्सा सुनाया है, वो सिर्फ एक किस्सा ऐसा था कि चूंकि मेरे शहर से करीब था, लेकिन हर रोज ऐसे न जाने कितने ऐसे किस्से हैं। अभी आने वाले अधिवेशन के अंदर मैं एक ऐसा किस्सा सरकार को सुनाने वाला हूँ जहां पर एक महिला को जिस बर्बरियत के साथ मारा गया कि वो खाना बनाने के लिए तैयार नहीं थी, तो उसके
के साथ उसके जिस्म के ऊपर छेद करके उसको जिस तरह से उसकी उसकी जान ली है। तो ऐसे न जाने कितने केसेस है जो आते रहते हैं। अब इनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? हम तो बोल देंगे उसमें, लेकिन आप लोगों को ही खड़े रहना पड़ेगा। जब महिलाएं खड़े रहेगी तो यकीन मानिए पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, सरकार के ऊपर भी बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है कि अब महिलाएं सड़कों के ऊपर आई है। आप देख रहे होंगे कि शाहीन बाग जो है ये हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर पहली मर्तबा हुआ है कि आंदोलन जो है हमेशा पुरुष करते थे, महिला उसके अंदर शामिल होती थी। ये पहला आंदोलन है पूरी हिंदुस्तान के अंदर जहां नेतृत्व इस आंदोलन का हमारी बहनें कर रही है और मर्द उनके पीछे चल रहे हैं। तो एक बदलाव आया है और यही बदलाव मैं समझता हूँ इंशाल्लाह इस मुल्क के अंदर इंकलाब भी।